नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन कुमार, आपका स्वागत है हरियाणवी एंटरटेनमेंट चैनल पर। तो भाइयों, आज हम आपके लिए वैलेंटाइन डे के पीछे की पूरी कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आजकल हम प्यार और रोमांस का नाम देकर हर साल के 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। वैलेंटाइन डे मनाना एक फैशन, एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन वैलेंटाइन डे मनाते क्यों हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, शायद ही कोई जानता हो। चलिए देखते हैं इस दिन की शुरुआत कहां से हुई थी। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में प्यारी सी घंटी को दबाइए जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। ये तीसरी सदी की कहानी है। उस समय यूरोप का रोम साम्राज्य देश का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य होता था। उस समय रोम का राजा क्लोडियस द्वितीय था, जो जिद्दी और निर्दयी किस्म का था, जो क्रूरता से पूरे देश पे अपना साम्राज्य फैला रहा था। एक बार राजा क्लोडियस ने अपने साम्राज्य में घूम कर देखा कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो शादी की हुए लोगों से ज्यादा ताकतवर थे। जिसके बाद राजा ने सभा बुलवाई और कहा कि कोई भी युवा आज के बाद शादी नहीं करेगा, क्योंकि शादी के बाद पुरुष का दिमाग और शक्ति दोनों ही खत्म हो जाती है। राजा के इस कड़े आदेश के बाद सारे लोगों में हाहाकार मच गई। लेकिन राजा क्लोडियस के राज्य में एक दिल वाले पादरी थे जिनका नाम सेंट वैलेंटाइन था। वो राजा के इस आदेश का कड़ा विरोध करते थे और वैलेंटाइन ने कई सैनिकों और अधिकारियों की छिपकर शादी भी करवाई और गांव-गांव में जाकर लोगों को शादी के लिए प्रेरित भी करते थे। जब राजा क्लोडियस को इस बात का पता चला तो अपने सैनिकों से वैलेंटाइन को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन जिस जेल में वैलेंटाइन बंद था, उस जेलर की बेटी वैलेंटाइन को हर रोज मिलने आती थी, जो अंधी थी। वैलेंटाइन को उस लड़की से प्यार हो गया था। एक दिन उस लड़की की आंखों पर वैलेंटाइन ने प्यार से हाथों को सहलाया, जिससे उसकी आंखें ठीक हो गई और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब राजा क्लोडियस को इस बात का पता चला तो वैलेंटाइन को बुलाकर चेतावनी दी कि या तो वह शादी के विरोध में आ जाए, नहीं तो उसे फांसी दे दी जाएगी। वैलेंटाइन ने शादी का विरोध करने से इनकार कर दिया और राजा ने उसे फांसी का आदेश दे दिया। वैलेंटाइन को फांसी देने से पहले वैलेंटाइन ने अपनी प्रेमिका को एक प्रेम पत्र लिखा, जिसके अंत में लिखा था फ्रॉम यूर वैलेंटाइन। 14 फरवरी सन 269 को वैलेंटाइन को फांसी दे दी गई थी। सेंट वैलेंटाइन की ही याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 14 फरवरी का दिन दो प्यार करने वालों के लिए आज भी बड़ा दिन होता है। अगर दोस्तों आप भी किसी से प्यार करते हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। अब आपसे जाने की अनुमति लेते हैं। हैप्पी वैलेंटाइन डे।